नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। कल दिन की बात है, मुझे खबर आई कि आपको पता है क्या, रोहित सरदाना जो हैं वो गुज़र गए। तो मैंने बोला नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो तो अभी एक दिन पहले तक एक्टिव थे, ट्वीट कर रहे थे बाकायदा। और क्योंकि वो उस विचारधारा के हैं जो अनबायस्ड है, मतलब जो गलत है उसको गलत कहना जानते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि वो केवल राष्ट्रवादी हैं इसलिए, लेकिन मैंने उनके साथ मैंने डिबेट करी है। आपको मालूम होगा मुझे दंगल करने का सौभाग्य मिला। मैंने आज तक मैं उनके साथ दंगल करा। जब वो दंगल कर रहे थे सुशांत के ऊपर, तो एक दो मरतबा मैंने दंगल कराया उनके साथ। तो मुझे उनका नेचर काफ़ी अच्छा लगा। हर किसी को बोलने का मौका देते हैं, सबकी बात सुनते थे, ये थे कहना बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता। फिर मैंने किसी जी वाले, मेरे मित्र हैं, उनको मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये दुखद है लेकिन ये सही है। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मुझे लगा क्या बोलूँ मैं इस बारे में। फिर मुझे लगा कि जिस चैनल में वो काम कर रहे हैं आज तक में, उन लोगों ने तब तक कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाई थी। तो मुझे लगा भगवान ये न्यूज़ गलत हो, भगवान शायद ये न्यूज़ गलत हो, शायद इस बार ये लोग गलत हो। लेकिन 12 बजे 12:30 बजे ही वो गुज़र चुके थे, कुछ ऐसा था। रोहित सरदाना की अगर मैं बात करूँ तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा से आते थे, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, है कहने की आदत है इसलिए कह रही हूँ। और कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से आते हैं, उसके बाद इन्होंने हिसार से अपना पीजी करा, उसके बाद डिसाइड करा, क्योंकि एक्टिंग का इन्हें काफ़ी शौक़ था और टीवी में आना था, जैसा कि उन्होंने खुद बताया है अपने एक लाइव सेशन में कि मुझे टीवी में आना था, कैसे भी टीवी में आना था। मतलब वो स्पष्टवादी थे, मतलब जो भी बोलते थे कि हाँ मुझे टीवी में आना था इसलिए मैंने करा, मुझे फ्रंट में दिखना था, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचाने। तो वहाँ फिर उन्होंने NSD जाने का निर्णय करा, NSD यानी कि नेशनल ड्रामा स्कूल, लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक दो राउंड के बाद वापस भेज दिए गए। फिर उसके बाद उन्होंने रेडियो में काम करा, रेडियो में उनकी आवाज़ सुनी गई, तो लोगों ने वो, मतलब स्टूडेंट्स वर्ग के बीच वो फेमस हुए। तो उन्हें लगा भाई एक जगह पे ही मैं क्यों, मुझे तो अपनी पहचान और भी बनानी है, क्या यही मेरी लाइफ है। उसके बाद उनको केबल TV ने एक प्रोग्राम ऑफर करा, उस वहाँ पर से वो थोड़े फेमस हुए तो वहाँ के क्षेत्र के लोग जानने लगे। फिर उन्होंने कहा नहीं, इतना दायरा नहीं, मुझे दायरा और बढ़ाना है ताकि मैं घर से बाहर जब निकलूँ तो हर एक व्यक्ति मुझे पहचाने। मैं समाज की भलाई तो तब करूँगा जब मैं खुद को पहले कहीं मकाम पे पहुँचाऊँ। उसके बाद उनको ETV वालों ने चांस दिया। ETV में वो बैकहेंड में ही काम कर रहे थे, और जब उनको पता चला कि भाई अभी तो मेरा बोलना जो है वो उच्चारण ही सही नहीं है, अभी तो मैं हरियाणा जो भी बोलता हूँ मुँह खोलते ही मुझे हरियाणा का बोल देते हैं, तो मुझे ये साफ करना है, लोग जब पूछे मैं हरियाणा को तो मैं तब बताऊँ। इस तरह से मेहनत करके वह व्यक्ति जो है उनको ETV ने वहाँ भेजा, हैदराबाद में आए। हैदराबाद में एक हैदराबाद की व्यक्ति थे, उनका इंटरव्यू लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने उच्चारण में काम करो। फिर एक टीम यूरोप से या कहीं से आई थी, रशिया से आई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, उन्होंने उनको VT सिखाया, यानी कि वीडियो एडिटिंग वगैरह सिखाया। जो भी उन्होंने काफ़ी मेहनत करी वहाँ, उनका एक नेचर था पहले कि वो भागते थे चीज़ों से, लेकिन जब चैलेंज सर पर पड़ जाता था तो वो चैलेंज को निभाते थे। और उन्होंने ये तय करा था कि मुझे मेन में आना है, लेकिन मुझे अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी छूंगा नहीं। मुझे रोहित की सबसे अच्छी बात ये लगी कि रोहित का ये कहना था कि अपॉर्चुनिटी अगर छोड़ दोगे तो वो किसी और के पास चले जाएगी, और उसके बाद तुम उसको बैठ के टीवी में देखोगे, तुम घर पे बैठ के उसको TV पे देखोगे और तुम पछताओगे। अगर तुम्हें फेल होना है तो टीम में रह के फेल हो, बाहर रह के उसका हिस्सा ही नहीं हो तो तुम्हें हार जीत का मज़ा स्वाद कैसे लगेगा। इसलिए अगर स्ट्रगल में फेलियर है या कुछ है, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और मेहनत करो, और अपॉर्चुनिटी जो भी आए उसे छोड़ो मत। हो सकता है कि आज तुम 5वें 6ठे नंबर के खिलाड़ी
हो सकता है तुमने छठे नंबर पे रहकर बड़ा अच्छा खेल दिया, तो किसी दिन तुम्हें मेन बैट्समैन बना दे। ये उनकी स्पिरिट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि किसी के बारे में बात करने से अच्छा है पहले समझना भी उस व्यक्ति को चाहिए, उसकी जो पूरी मनोदशा है, जो व्यक्तित्व है उसको समझना चाहिए, क्योंकि टीवी पे जो आप देखते हैं असली व्यक्तित्व कैसा है, अपनी बेटियों के साथ वो पिता कैसे हैं, अपनी पत्नी के साथ वो पति कैसे हैं, एक पूरा समूचा जो इंसान का किरदार होता है वो उसको एक अच्छा मनुष्य बनाता है। बहुत ही स्पष्टवादी, अपनी बात को धड़ल्ले से रखने वाले, लेकिन दुख ये हुआ कि वो घर पे बिल्कुल सही थे। एक मैं विश्लेषण सा कर रही हूँ, वो व्यक्ति 15 दिन से 14 दिन से अपने घर पे बिल्कुल ठीक है, बीमार थे लेकिन फिर भी जीवित थे, जिंदा थे। जब उनकी रिपोर्ट आई पहले तो वो नेगेटिव थी, इन्फेक्शन भी नॉर्मल दिख रहा था। उनकी पत्नी ने कहा कि चलो तुम्हें हॉस्पिटल चलना है प्रमिला जी ने, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घर पे ही सही हो जाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और इवन वो ऑफिस के कलीग्स को कह रहे थे कि मैं अगर 30 तारीख को नहीं भी आया तो 2 तारीख को तो मैं बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि नतीजे आने वाले कुछ इस तरह से। और एक एंकर के लिए बड़ी बात होती है कि मेन जो जो दिन है उन पे वो तारीखों पे अपने ऑफिस पे मौजूद रहें, क्योंकि उनकी उपस्थिति जो है वो एक बहुत बड़ा काउंट होती है, मतलब हर जर्नलिस्ट के लिए, हर न्यूज़ प्रेजेंटर के लिए या जो भी एंकर होते हैं उनके लिए एक बड़ा दिन होता है, मेन मेन दिनों में आना खासकर। तो इतना कॉन्फिडेंस उन्हें था कि वो सही हो जाएंगे। और देखिए रिपोर्ट आती है नेगेटिव, उसके बाद फिर आता है एक और, फिर उनका स्कैन होता है सिटी स्कैन वगैरह, उसमें उनके लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा दिखाता है। पहले जब हुआ था तो बिल्कुल कम दिखाया था, कि जो कि घर पे क्योर हो सकता था। उसके बाद दिखाया जा रहा है ज़्यादा इन्फेक्शन। जब तक पहले उनको अगर गलत गलत फहमी में नहीं रखा जाता, पहले उनकी रिपोर्ट अगर सही दी जाती या उनको ये हिदायत दी जाती कि आप यहाँ हॉस्पिटल में शुरू से रहिए। और ये मेट्रो हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने देखा और सुना कि मेट्रो हॉस्पिटल के खिलाफ 2018 में भी एक FIR लॉन्च हुई थी, इसमें अपने जो जो इनको रिकमेंड करा गया था जहाँ इनकी मौत हुई है। एक आदमी बिल्कुल सही है, भला चंगा है, रात को 11 बजे तक, 12:30 बजे तक, 5 बजे तक मैसेजेस कर रहा है दूसरे की मदद करने के लिए, और लोगों से बकायदा, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि मेरे साथ चैट हुई, मेरे साथ चैट हुई, तो इसका मतलब मल्टीपल चैट, वो व्यक्ति मल्टीपल चैट मल्टीपल लोगों के साथ कर रहा है, लोगों के बारे में, सिलेंडर के बारे में पूछ रहा है अपने रिपोर्टर फ्रेंड से कि उसके लिए मुहैया करा दो। और वो कह रहे पहले तुम तो सही हो जाओ, कह रहे नहीं मैं सही हो जाऊंगा, तुम इसके लिए सिलेंडर करवा दो, ये कर्मचारी जितने हैं जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनाओ, उन सबकी मदद करो। टिपिकल ABVP कार्यकर्ता, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोहित सरदाना जो ये लोगों की मदद कर रहे थे ना, आपने देखा होगा और भी पत्रकार हैं लेकिन वो TRP के लिए करते हैं, लेकिन रोहित बिस्तर में पड़े हुए भी दूसरे की मदद इसलिए कर रहे थे। टिपिकल जो एक संगठन होता है ना ABVP, जैसे हर किसी की मदद के लिए अपने ABVP के जो हमें छात्र संघ से सिखाया जाता है वही चीज़। देखिए हर किसी की, अब कोई कहेगा कि अरे वो ABP वाला था, वो संघ वाला था, देखिए क्या रवीश कुमार की अपनी कोई मानसिकता नहीं है? क्या वामपंथी पत्रकारों की अपनी मानसिकता नहीं है? एक राष्ट्रवादी होना इस देश में अपराध है, मतलब राष्ट्रवादी, राष्ट्र को अपना जीवन अर्पण करने वाला राष्ट्रवादी व्यक्ति, ये एक यहाँ पर गाली बन गई, दूसरे देशों में ये एक सम्माननीय बात होती है, लेकिन हमारे देश में ये एक डिबेट का इश्यू हो जाता है। तो जो रोहित थे वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे, और उन्होंने चाहे अपना अपना जो जो अपना ऑर्गेनाइजेशन था वो ज़रूर बदल लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी जो सोच थी, विचार थे, उससे कभी समझौता नहीं करा। वो ZTV में जब थे उनको वहाँ एक प्लेटफॉर्म जो था, ताल ठोक के करते थे वहाँ पर भी उनका एक बार एक ट्वीट वायरल हो गया था, उन्होंने कुछ बात कह दी थी और वो बात बिल्कुल सच भी थी, और वो बात एग्जैक्टली क्या है वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने बुरहान वानी से भी लेके कुछ क्वेश्चन पूछे थे। जब बुरहान वानी की माँ से पूछा गया कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो उसने कहा कि मेरा बेटा जो है काफिरों को मारते हुए मरा है और मुझे उस पर नाज है। अब आप बताइए, वही बरखा दत्त जो थी वो कहती है कि गरीब हेडमास्टर का लड़का, अगर वो इतना गरीब हेडमास्टर का लड़का था तो उसकी माँ ऐसा कहती कभी? इसका मतलब उन्हें जानते मूझते अपने लड़के को भेजा था। अगर रोहित सरदाना ने उस वक्त क्वेश्चन उठाए, एक भारत के नागरिक होने, आप पत्रकार तो छोड़िए, एक भारत के नागरिक होने के नाते भी, तो कोई गलत नहीं था अगर वो उस क्वेश्चन उठाते थे। तो इस देश में जो नेशनलिस्ट होता है उसको हमेशा एक जो कौम विशेष है वो हमेशा एक कटघरे में खड़ा कर देती है, एक गैंग बना के हमला करती है। अब
जब इतनी सारी चीज़ें हो गई, एक आदमी मेहनत करके कैसे आज तक में, पहले ईटीवी में, फिर आज तक में सिटी केबल रेडियो, सिटी केबल ईटीवी, ईटीवी हैदराबाद, वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद, अपने उच्चारण पे वर्क करने के बाद, क्योंकि वो बोलते ही हरियाणवी नज़र आते थे इसलिए उन्होंने उच्चारण पे वर्क करा, हिंदी अंग्रेज़ी अच्छी करी, उसके बाद जी टीवी में आए, वहाँ पर आई थिंक 12-13 साल काम करा शायद, उतना अच्छा उनका संपर्क रहा कि आज उनके जितने भी कलीग हैं वो उनका नाम लेते हुए रो रहे हैं। हम जैसे लोग जो उनके साथ थोड़ा बहुत काम कर पाए, मतलब मौका मिला एक छोटा सा भी, तो हमें भी बड़ा दुख हो रहा है। हर किसी व्यक्ति की आंखें नम हैं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति जब जाता है और वो कुछ चीज़ें जो TRP के लिए नहीं करता है, उसके लिए साथियों दर्द होता है। और जब मुझे पता चला कि रोहित का कहीं ना कहीं कनेक्शन ABVP से है, तो मैं पूरी पर्सनालिटी समझ गई। क्योंकि आपको पता है, संघ आपको या संगठन आपको कुछ नहीं देके भी, वो आपको धन नहीं देता संगठन, लेकिन जो लोगों का सेवा भाव करना ये संगठन सिखाते हैं ना हमारे, मान लीजिए हमारा शत्रु है जिसकी, जिन लोगों की मैं इतनी बैठकर मुखालफत करती हूँ, अगर इनके वहाँ की भी कोई औरत मदद मांग रही होगी तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ मदद के लिए बढ़ जाएंगे, या कोई व्यक्ति होगा वो भूखा होगा मदद मांग रहा होगा तो मेरे हाथ मदद के लिए बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये संगठन ने सिखाया है, संगठन ये चीज़ें सिखाता है। और हम जिस तरह की विचारधारा से आते हैं, हम चाहे मुंह से कितने भी कठोर हो जाएं, लेकिन हमारा दिल जो होता है कहीं ना कहीं मानवता के नाम पर हर वक्त हाजिर रहता है। इसी तरह के धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे रोहित सरदाना, एक अच्छे पिता, एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पति, जो एक अच्छे राष्ट्रभक्त, जो अपनी तरह से स्पष्ट होके कि जीवन में मुझे क्या चाहिए और अगर मैं कोई बदलाव ला सकता हूँ, तो पहले उन्होंने बदलाव की नहीं सोची थी शुरुआती जीवन में, उन्होंने कहा था पहले मैं अपने आप को बदलूँ फिर दुनिया बदलूँगा, और जब मैं अपने आप को बदल लूँगा मेरी हैसियत होगी तो मैं दुनिया को बदलूँगा। वही चीज़ जो संगठन सिखाता है कि दूसरे की मदद करो, एंड तक वो व्यक्ति कर रहा था। अब कई लोग कहेंगे कि और पत्रकार भी तो लिख रहे हैं, जी नहीं, अगर कोई पत्रकार बेड पे है और कोरोना से लड़ रहा है, उसके लंग्स और फेफड़े जवाब दे रहे हैं, भले उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए लेकिन उनको दर्द तो रहेगा ना, इन्फेक्शन तो होगा ना, रात रात भर नींद नहीं आएगी ना, तो जो व्यक्ति ऐसे दर्द में कराह रहा हो उसके बावजूद भी वो लिख रहा हो, तो वो दिखावा, वो ढोंग नहीं होता। ढोंग वो होता है जो लोग कहते हैं अच्छा हुआ काफिर मर गया, अच्छा हुआ उसको दोजख मिलेगा। पहली बात, दोजख वाले सपोलो एक बात सुनो, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन एक बात बोल रही हूँ, हम हिंदू हैं, हमारे वहाँ हम सनातनी हैं और हमारे वहाँ कर्मावली होती है, कर्म के आधार पर यही स्वर्ग है यही नर्क है, और इस धरती पर जो अच्छे लोग हैं वो स्वर्ग भोग रहे हैं और जो गलत लोग हैं वो नर्क इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि अपने अपने कर्मों की सज़ा सबको मिलती है। अगर मैं मास्क पहन के नहीं घूमूंगी और मैं किसी और को कोरोना लगा दूंगी तो मेरे से दोस्ती करने की सज़ा मेरे दोस्त को मिलेगी, भले ही उसके कर्म सही हैं, उसने सही काम कराओ, लेकिन मेरे चक्कर में उसको सज़ा मिली है। उसी तरीके से आप जो गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी, आप जो बोलते हैं कि दोजख मिलेगा, तो एक बार बताओ तुम्हारे वहाँ कौन सी जन्नत सबको मिल रही है? तुम्हारे वहाँ तो इतने फिरके हैं और तुम अंट शंट लिख रहे हो, थोड़े तो होगा तुम्हारे मन में, वो शाबुद्दीन मर गया, कौन मर गया है? अब मैं उसके लिए बोलूँ, एक आतंकवादी का मरना, एक आदमी जो इतने लोगों को मारा है उसके मरने की मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। शाबुद्दीन मरा है ना जेल में, वो एक विधायक रहा है, उसके पास क्या पैसा नहीं होगा? तुम कहते हो अगर कि किसकी गवर्नमेंट ने उसको जेल में डाल दिया, अरे वो अपने कर्मों के हिसाब से जेल में गया, इतने लोग हैं, इतने मुसलमान हैं कि सबको जेल में डाला क्या? नहीं डाला ना, जो जिसने गलत काम करा है वही जेल में गया है ना, चाहे वो किसी भी जाति मजहब का हो, अगर गलत काम करता है देश के लिए तो वो भी मौत के घाट उतरता है, चाहे उसको फांसी की सजा हो या इन्फेक्शन से मरे, वो इन्फेक्शन से शाबुद्दीन मरा, तो अब क्या उसकी मौत पे लोग मजाक उड़ा रहे हैं? और दूसरा, अगर कह भी रहे होते तो उसको मैं जायज़ इसलिए मानती, इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम है, इसलिए मानती क्योंकि उसने बुरे कर्म करे हैं। रोहित सरदारा ने अगर बोला होगा तो तीखे सवाल करे होंगे, वो जब एंकरिंग आप करते हो तो हर चीज़ देखी जाती है। अगर तुम एक पत्रकार हो तो तुम्हें क्या ऐसे ही रख लेंगे? चैनल का खर्चा 1-1 करोड़ है एक दिन का, तो बिना TRP के चैनल तुम्हें ऐसे ही रख लेगा? तुम चाहे कोई भी जाति मजहब के हो, अगर जब तुम अपना काम करते हो, अगर मैं एक
एक्ट्रेस हूँ, मेरे को अगर एक सीन कहा गया है, मुझे एक सीन करने को कहा गया है, तो मैं वहां पर मंदिर का घंटा बजाते हुए नहीं फिरूंगी। जो मुझे सीन का कहा गया है, मुझे अगर एक कोई भी लड़की का किरदार करना है तो उस हिसाब से उस रोल को करना पड़ेगा। या तो मैं उस रोल को करूंगी, हाँ बोलूंगी, अगर मैंने हाँ बोला है तो उस रोल को मुझे निभाना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं एक शो एंकर कर रही हूँ, तो मुझे शो की जो जो शो का डिस्क्रिप्शन मुझे दिया गया है, मुझे बताया गया है कि इसका जो इसको ऐसे करना है, मतलब उसको किस तरह से करना है, उस तरह से मुझे प्रेजेंट करना होगा उस शो को। अब वो तुम्हारे कहने से, मेरे कहने से कि मैं वहाँ भाईचारा करूँ, वो नहीं होता है। ऐसे तो शम्स ताहिर खान बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा मानते थे, तो क्या शम्स ताहिर खान के साथ भी वो युद्ध करते थे? एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं, जो स्टूडेंट विंग में रहे हैं, वो हर हर तबके से आते हैं, लेकिन बशर्त है कि आपको राष्ट्रवादी होना पड़ता है। अगर आप राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं और दूसरे धर्म से चिढ़ते नहीं हैं, उसके लोगों को काफिर मान के उनको मौत के घाट नहीं उतारना चाहते हैं और देशद्रोहियों का साथ नहीं देते हैं, तो क्या हमें खुजली पड़ी है? हमें क्या कुत्ते ने काटा है जो तुमसे नफरत करते? अब तुम ही जब कुछ नहीं बोलते हो गलत लोगों के लिए, जो वहां पर इतने बोले जा रहे, तू दोजख में जाएगा, तो तुम बता दो तुम कौन सी जन्नत में जाने वाले हो? तुम क्या कौन से फिरके से हो? तुम सैयद हो? तुम क्या बड़े वाले फिरके से हो? तुम कौन से फिरके से हो? तुम्हारे वहां तो पता नहीं कितने फिरके, कितने जात पात तुम्हारे वहां कितना है। हमारे वहां तो चाहे वो वाल्मीकि हिंदू हो, चाहे वो वर्ण से किसी भी वर्ण का हो, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो सब स्वर्ग जा सकते हैं। हमारे वहां तो नहीं कहा, ये कास्टे तो आया तुम्हारा स्पेन से, हमारे वहां तो नहीं कहा। तो रोहित सरदाना के लिए अंट शंट बोलने से पहले इतना सोचो कि तुम्हारी जिंदगी भी हमेशा की नहीं है। जिंदगी जो है, जो आज पैदा हुआ है, वो कल मरेगा ही मरेगा, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो इतनी संवेदनशीलता दिखाओ कि अगर उसने तुम्हारे तुम्हारे बाप का कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर उसने कठोर शब्द भी बोले हैं, तो मरते हुए व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोला जाता। अंट शंट मत बोलो, अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो अंट शंट मत बोलो। और रही बात वो कौन से पेरोल पे था, एक जो जो RNDITV के पत्रकार हैं, उनको पत्रकार तो मैं बोलूंगी नहीं, जो ऑफिस खुद ही पूरे जब से कोरोना आया है पूरे एक ही बार वो ऑफिस गए हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप किसके पेरोल पे हैं? आप ये बताइए, जो आप ये इतना ट्वीट करे, आपने इतनी एडिटिंग कर दी अपने ट्वीट्स पे, आप ये बताइए आप किसके पेरोल पे हैं? और शर्जिल इमाम है कौन है? वो कहता है कि शर्जिल इमाम है एक मुस्लिम लड़का, वो कहता है कि वो दोजख में गया, अच्छा हुआ दलाल मर गया। भैया तू किसका दलाल है ये बता, तेरी अम्मी का दलाल है, किसका दलाल है? तू तो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। तू तो ये जनता को, जो ये आवाम है, जो जनता है, जो तेरे तेरे मजहब के लोग हैं, उनको तू उनको भड़काता है। अगर इतना गलत है, अरे भाई उसने तबलीगी जमात को बदनाम करा, बोलती हूँ तबलीगी जमात के जो तुम्हारे खुद जो साध था, वो साध वहां पर अपने लोगों की आहुति देने के लिए बैठा हुआ था, जो कह रहा था कि यहीं बैठो, और सब लोग वहां खांस रहे थे, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा था। अगर मेरे घर में कोई बीमार है और मैं उसको घर से बाहर ना निकलने दूं, ना उस और उसके लिए कोई नर्सेज ही ना बुलाऊं, तो मैं उसकी दुश्मन हूं कि दोस्त हूं, उनकी हितैषी हूं कि उनकी दोस्त हूं? तो ये बातें आपको खुद सोचनी चाहिए। इतने अंधे मत हो जाओ, किसी बाबा जी के वहां मैं अगर गई हूँ, वो बाबा जी कहे नहीं, तुम डॉक्टर के पास मत जाओ, यहीं बैठे रहो, और मुझे कोरोना हो रहा है और मैं वहीं बैठे रहूँ, तो इसका मतलब वो बाबा मेरा दोस्त है, वो बाबा मेरा हितैषी है कि वो है? हमारे वहां तो नहीं बोलते, जो अच्छे बाबा हैं, अच्छे बाबा बोलते हैं भैया ऐसा है, ये इलाज मैं नहीं कर सकता, मैं अध्यात्म बता सकता हूँ तुम्हें, मैं मेडिटेशन करा सकता हूँ बेटा, लेकिन अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हमारे वहां तो बाबा नहीं बोलते ऐसे, और हमारे वहां तुम्हें जो दाढ़ी वाले लगते हैं ना कुछ कुछ, वो IIT पास होते हैं, और सबसे बड़ी बात, पास होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अध्यात्म छोड़ देते हैं। हर कोई अध्यात्म नहीं छोड़ता, लेकिन अध्यात्म का मतलब कनेक्शन से होता है। तुम रोहित सरदाना को गाली दे रहे हो, एक बार उसकी बच्चियों को देख लेते। तुम्हारे वहां के बच्चे जितने होशियार नहीं होंगे ना, उतना इंटेलिजेंट उसके उसने अपने बच्चों को बनाया हुआ है। भगवान करे, मैं भगवान से तहे दिल से, अपने हृदय से ये मांगती हूँ कि भगवान सारी बुराइयों से उस परिवार को बचाएं, उसकी उनकी जो बेटियां हैं दोनों, उनका लालन पाषण पालन पोषण अच्छी तरह से हो। और उसके साथ साथ देखिए, केवल रोहित सरदाना एक पर्सनालिटी थे, उनके बारे में ही बात नहीं करनी चाहिए, जितने तमाम लोग हैं, मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जितने लोग मर रहे हैं इस कोविड से, इस महामारी से, उन सबको भगवान
उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को साहस दे। ये तो रोहित सरदाना इनकी खबर आ गई क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार थे, लेकिन उनका क्या जो जो बिना सिलेंडर बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, प्लीज़ 2 मिनट प्रेयर उन परिवारों के लिए भी करिएगा, सबके लिए करिएगा जो अपनी ज़िंदगी इस ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। उनके परिवार जो हैं एक लौते कमाने वाले को जाता हुआ देख रहे हैं। ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, आप सबको इससे खुद भी उबरना है और अगर हो सके तो दूसरे को उबारना है। लेकिन अगर आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि आप हर कोई व्यक्ति अपने परिवार का एटलीस्ट ख्याल रखें और इसे हल्के में न लें। जब रोहित सरदाना जैसा एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ हो, उसका सब कुछ उजड़ सकता है, तो फिर आप सोच लीजिए। और मुझे तो एक डाउट है कि जो व्यक्ति घर पे सही था वो वहाँ आते ही कैसे, उसको ऐसा कोई इंजेक्शन दिया गया जो उसकी बॉडी को सूट नहीं हुआ। एक व्यक्ति जिसको ऑलरेडी बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया जिसमें ऐसा सब्सटेंस था, ऐसा एलिमेंट था जो उसकी बॉडी को सूट नहीं करता था। और उसकी उनकी जो वाइफ थी वो किसी डॉक्टर तलवार को, तलवार उनके असाइन डॉक्टर थे और वो वहाँ थे ही नहीं। और फिर वो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल को फ़ोन मिला रही थी सुबह तक 5:30 बजे तक, लेकिन उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो कहीं आपको नहीं लग रहा है कि रोहित की आहुति या तो किसी TRP के चलते चढ़ाई गई है या जानबूझ के राष्ट्रवादी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि आप देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितने लोग राष्ट्रवादी हैं उन पर एक तरह से एक अनदेखा हमला हो रहा है। जो आदमी घर पे 15 दिन तक सही था वो अचानक से हॉस्पिटल में आके एक रात में ही एक इंजेक्शन लेते ही कैसे ख़राब हो जाता है, ना बिना जांच के उनको मॉनिटर नहीं करा जाता, उनको देखा नहीं जाता उनको क्या प्रॉब्लम है और क्या जो एंटीबायोटिक वो इंजेक्शन है वो उनको सूट करेगा कि नहीं। क्योंकि पहले इंजेक्शन लगाने से पहले देखना चाहिए ना कि बॉडी पे सूट करता है कि नहीं। तो ऐसे कैसे लगा दिया गया, ये जाँच का विषय है। मुझे लगता है कि रोहित मरा नहीं, मारा गया है। पता नहीं आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान रोहित के साथ साथ उन सभी दिवंगत लोगों की आत्माओं को शांति दे और उनके घर को, घर वालों को साहस दे इस मुश्किल घड़ी से उबरने का। इसी संदेश के साथ कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे और इधर उधर फालतू नहीं घूमेंगे, बिल्कुल भी इतना सभी रिस्क नहीं लेंगे अपनी जानो माल के साथ, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी नम आँखों से सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, रोहित को भी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय हमेशा मुझे देते रहे, कोई बात बुरी लगती है तब भी और कोई बात अच्छी लगती है तब भी। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।